राजधानी रायपुर में बेदाग ऑटो चालक की लापरवाही देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि ऑटो में 4 सवारी बैठाने का प्रावधान है, पर जो ऑटो चालक है ज़्यादा कमाई को लेकर 6 सवारी 7 सवारी यहां तक कि 9-9 सवारी बैठा रहे हैं और पुलिस प्रशासन द्वारा इस पर बिल्कुल भी कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। वहीं हम राजधानी के घड़ी चौक में मौजूद है, जहाँ पे जो है जो ऑटो चालक आप देख सकते हैं कि यहाँ जो सवारी बैठाते हैं और सवारी जो यहाँ पे 7 सवारी 8 सवारी यहाँ तक कि 10-10 सवारी आप देख सकते हैं कि स्टेयरिंग के सामने जो है एक भैया हैं वे जो बैठाए हुए हैं, जिससे यहाँ का दुर्घटना की बहुत ज़्यादा चांस है। और चलिए सीधा हम चलते हैं ऑटो चालक से बात करते हैं कि वे घटना को क्यों अंजाम दे रहे हैं। आप अपने ऑटो में कितने सवारी बैठाते हो? 4 सवारी बैठाते भी है। क्यों? 4 ही का परमिट है। कई लोग तो ऐसे हैं कि 5 सवारी 6 सवारी बैठाते हैं। अब बैठाने वाले बैठाते हैं भी, अब 4 सवारी से ज़्यादा नहीं बैठाते, नहीं तो कार्रवाई करते हैं पुलिस वाले कार्रवाई करते हैं। पर ऐसे तो अभी तो कई जन दिख रहे हैं जो है इसी जा रहे 5 सवारी 8 सवारी तब भी से कार्रवाई नहीं करते और हादसे होने का डर लगे रहता है, इस पर क्या कहेंगे आप? अब भैया हादसा हो तो होगा ही ना, ज़्यादा बैठा के लेके जाएंगे तो है नहीं। भैया ऑटो में कितना सवारी बैठाने का प्रावधान है? 4। तो आप कितने बैठा है? भागवत में जा रहे भैया, विकलांग आदमी है। ठीक है, भागवत में जा रहे हैं, पर वही और कुछ हादसा हो गया तो? मैं ऐसे चलाते नहीं हूँ भैया, धीरे धीरे चला रहा हूँ, भागवत में जा रहे हैं ना इसलिए। या विकलांग है घर? या हादसे तो कभी बता के नहीं आते ना? आता हूँ भैया, मगर मजबूरी क्या करोगे। दीदी कितने बैठाने का प्रावधान है ऑटो में? 6 जन। 6 जन ही 4 लोग है, पर आप कितने बैठा है? 7 जन। कहाँ ले जा रहे हैं सवारी को? छोड़ूंगे घड़ी चौक में, पंडरी से यहाँ छोड़ना है इन लोग उधर जाएंगे। ऑटो में कितना सवारी बैठाने का प्रावधान है? हम लोग 3-4 बैठाते हैं। तो आप कितने बैठा है? ये तो मरीज है ना। तो मरीज एक मरीज और बाकी? अरे तो उन लोग सवारी है। तो भैया इसमें हादसा होने का डर है कि नहीं है? वही आपने देखा कि जो ऑटो चालक है बेधड़क लापरवाही कर रहे हैं और उनसे हमने बात किया तो वे बोल रहे हैं कि 4 लोगों को तो बैठाने का प्रावधान है, पर ज़्यादा कमाई के चलते वे ज़्यादा लोगों को बैठा रहे हैं और अनेक प्रकार के बहाना बता रहे हैं। कई को बोल रहे हैं कि हम मरीज को छोड़ने जा रहे हैं, कई लोग बोल रहे हैं कि हम भागवत देखने जा रहे हैं, पर तब भी जो वे हैं वो जो अपनी लापरवाही को वो छुपा रहे हैं और बेधड़क वो ऑटो चालक जो चला रहे हैं। आप देखना ये होगा कि जो प्रशासन है इस पर किस तरह से कार्रवाई करती है। कैमरामैन अनुर के साथ मैं शेखर धनकर।